जरूरी वो भी है कि हम इंजरी ना ले, तो उसके लिए मोबिलिटी ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर दिन वर्कआउट से पहले 20-25 मिनट ड्रिल्स करता हूँ, तो मैं वही आज ड्रिल्स आपको बताऊंगा। सिंघा ने जो यहाँ पे वार्म अप बताया वो वार्म अप नहीं है, वो अपने आप में एक वर्कआउट है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि आपको वर्कआउट से पहले कोई मोबिलिटी एक्सरसाइज की जरूरत है, डायनामिक स्ट्रेचिंग की जरूरत है, पर आपको जान के हैरानी होगी, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक नॉर्मल बंदे के पास जिम जाने के लिए 30 से 60 मिनट होते हैं, और अगर वो वार्म अप में 20 मिनट वेस्ट कर देगा तो वो अपना नॉर्मल वर्कआउट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा और वो अपने मेन वर्कआउट के अंदर थक जाएगा। वार्म अप का सिर्फ एक बेस्ट तरीका है। अगर आप चेस्ट लगाने वाले हो तो अपनी पहली एक्सरसाइज के अंदर आप कुछ सेट्स वार्म अप के ले सकते हो, और ऐसे ही आपको बाकी सारे मसल्स के साथ करना है। अगर आपको बेंच प्रेस करनी है तो आपको बर्ड डॉग या कैट कैमल करने की क्या जरूरत है, तो अपना टाइम बचाओ और ऐसी और साइंटिफिक वीडियोज के लिए मेरे को फॉलो करना मत भूलना।